तो फिलहाल अब भैया इसकी आवाज़ सुना रहे हैं। और इसमें ऐसी प्रोजेक्ट लगा है डबल साइड, वो भी पता है इस साइड भी लगा है, देखो इस साइड भी लगा है। भैया इस वाली का माइलेज ज़्यादा है कि नई वाली का? और यहाँ से यार गाइस देखो मोड सेट करने का ये। सो फिलहाल अब मैं चलाने जा रहा हूँ भैया की हायाबुसा, थोड़ा बहुत रिएक्शन नोट करेंगे हम हल्द्वानी के लोगों का कि ओ भाई ओवे क्या लाओ। आज भी तो हायाबुसा में बनाया व्लॉग। So hey guys, welcome back to another vlog। तो यार H2 वाला vlog डालने के बाद जो मुझको response मिला है ना भाई, मतलब एक तरफा मतलब ultimate वाला, तो यार इसी चीज़ को देख कर यार मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। और भाई मैंने सोचा है कि भाई आज भी हम एक सुपर बाइक के ऊपर vlog बनाने वाले हैं, जो कि सुपर बाइक पहले भी हमारे vlog में आ चुकी है उस टाइप की सुपर बाइक, और पिछले vlog में भी थी। तो आज हमारा vlog होने वाला है एक ऐसी सुपर बाइक में जो हर एक बंदा जानता है उसको देख के कि हाँ भाई ये गाड़ी है, सुपर बाइक है वो। तो वो फिलहाल मैंने अपने व्लॉग में पहले ही बताया था कि ये भैया की है, तो फिलहाल भैया का भी कॉल आया था मुझे, भैया बोले मैं फ्री हूँ अभी तो तुम अगर आ सकते हो तो अभी आ जाओ। तो फिलहाल मैंने अपने दोस्तों को कॉल कर दिया, तो वो भी आने वाला है, वो आने वाला है तो मैं ही जाऊँगा उसको लेने के लिए। और फिलहाल जल्दी से हम निकलते बिना आपका टाइम बर्बाद करे बिना, और वो गाड़ी ऐसी गाड़ी है ना भाई हर एक बंदा जानता है उस गाड़ी को, मतलब वो बहुत मूवीज़ में भी आई है तो पता लग जाएगा आपको अभी। तो फिलहाल गाड़ी बाहर निकालता हूँ, जल्दी से चलते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करूँगा ज़्यादा। पर आई नो यार बहुत लोग नए आए मेरे चैनल में, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक आपने कर ही दिया होगा और कर दो यार एक और बार। मैं मतलब अपनी वीडियोस में आपने देखा होगा मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, पर अब कहना पड़ा है ना क्योंकि यार रिस्पॉन्स भी तो मिलना चाहिए ना, रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता यार उतना अच्छा जितना मेहनत करता हूँ। तो थोड़ा बहुत दबा दो यार सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो और कमेंट कर दो जल्दी से जाके कैसी लग रही है वीडियो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे डॉलर लेटा है, यहाँ पे टफी लेटा है, और हम निकालते अपनी बाइक और निकलते हैं सीधे। सो चलो गाइस फिलहाल दोस्त को लेने के लिए चलते हैं, उसको मैंने उसके घर के बाहर पर बुला दिया है। और कितना हो गया टाइम? लेट हो गई यार, क्योंकि भैया के पास ज़्यादा टाइम नहीं ना, भैया कह रहे थे उनका भी बहुत ज़्यादा काम होता ना यार, तो भैया के पास भी ज़्यादा टाइम होता नहीं। मैंने भैया को बोला, वो तो अच्छी बात है, भैया ने चलो मुझे बता दिया कि भाई आज मैं फ्री हूँ तब मैं आज व्लॉग बनाने जा रहा हूँ भैया के साथ, वरना सच में जिन भैया से मिलाने वाला ना वो सच में बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, मतलब उनको शायद ही थोड़ा बहुत टाइम होता है। और हाँ उनको बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तब उनके पास वाली बाइक है सुपर बाइक ना, वरना आज देखते हो कि नॉर्मल जितने भी लोग होते हैं मतलब जॉब करने वाले या फिर बिजनेसमैन होते हैं वो मतलब अपने काम पे भी ध्यान देते हैं ना, खाली अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो भैया ऐसे हैं कि मतलब अपने काम पे भी ध्यान देते हैं और अपने शौक भी पूरे करते हैं। चलो भाई चलो चलो चलो, एक इसका चेन सेट भी ख़राब हो गया यार गाइस मेरी गाड़ी का, पता है बहुत काम करवाना है गाड़ी में। ये देखो भयंकर खट 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 करके बहुत ही आवाज़ आ रही है। गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और देखो भाई ये खड़ी है भैया की हायाबुसा, अब भैया को कॉल करते हैं, भैया है कहाँ पे यार? आ जा जा तेजस। भैया ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से? कहाँ से? तो मैंने बताया था ना आप लोगों को निश्चय भैया के बारे में पहले भी व्लॉग में, तो फिलहाल आज ला रखे हैं निश्चय भैया अपनी बाइक को। और इसमें ऐसी प्रोजेक्ट लगा है डबल साइड, वो भी पता है इस साइड भी लगा है, देखो इस साइड भी लगा है। मैंने पहली ऐसी बाइक देखी जिसमें डबल साइड एग्जॉस्ट लगा है हायाबुसा में, बिकॉज मैंने अभी तक जितनी बाइक देखी ना तो सारे में वो एक ही में कंबाइंड होते हैं सारे, वो ये एक ही में कंबाइंड वाले देखे मैंने अभी तक का ना, डबल वाले मैंने पहली बार देखे हैं। बढ़िया है, आवाज़ कैसी इसकी, लाउड है खूब? तो फिलहाल अब भैया इसकी आवाज़ सुना रहे हैं। ओ भाई भाई इसकी आवाज़ सुनो, भाई साहब खतरनाक आवाज एकदम। मैं और करीब लेके जाता हूँ भैया, एक बार रैप करना, देखो मैं आप करीब ले जाऊँ, ठीक है? ओ भाई क्या ही लाउड है यार कसम से, बाय गॉड गजब है। इस वाली का माइलेज ज़्यादा है कि नई वाली का? नई वाली का ज़्यादा है। इसका कितना देती है? 7 का। इसका 7 का, और वो 10 का होगा। अच्छा, जो H2 मैंने चलाई थी ना दोस्त की, उसका तो कह रहा था 3-4 का है। 3-4 का? 3-4 तो भैया बहुत कम हो गया फिर। बस अच्छा अच्छा 135 तो मैंने वही भगाई थी पल, वो अपाची। अच्छा हाँ वो बात तो सही है, या तो रामनगर या तो वो रुद्रपुर वाली रोड पे। हैं पहले से दूसरे गियर नहीं मार पाते हैं? हाँ वो सुपर बाइक से पढ़ते हैं, मैंने वो पहले गियर भी चलाया था,
पहले गियर पे ही चल रही थी मस्त एकदम। और यहाँ से यार गाइस देखो मोड सेट करने का, ये की मोड वोड सेट करने का। भाई इसमें क्रूज कंट्रोल कहाँ से होते हैं? क्रूज कंट्रोल नहीं इसमें? कौन कौन से मोड होते हैं इसमें? बस यही है, ABC मोड है, तीन मोड है, ए बी और सी। ए मोड कौन सा होता है? ये तो बहुत पे चलेगी। हाँ बी पे थोड़ी कम, सी पे हल्की। सी पे सबसे हल्की? कितनी सी पे टॉप स्पीड कितनी होती है इसकी? मेरे हिसाब से 100 से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा तो आप सी पे चलाते होगे? रोड्स नहीं है ना उस हिसाब से। यहाँ पर अभी सी पे है? अभी सी पे। कैसे पता लगता है? वो यहाँ मीटर में शो करता है। ओ भाई ये तो काफ़ी ह्यूज रथ थी यार सामने से ना, भयंकर है। कलर ऐसी कि जंग आ गया हो? मेरे ख्याल से कलर ऐसी हो, जंग है। खतरनाक यार। आपका तो वैसे टाइम होता नहीं होगा ना ज़्यादा, वही तो आपका काम वाम होगा ना सर? भैया का ना काम वाम होता है ना तो भैया को टाइम ही नहीं मिलता। आज बड़ी मुश्किल से भैया को आधे घंटे का टाइम था तब भैया आ रखे हैं। ऐसे कुछ है देख लो भाई, हायाबुसा पुराना वाला मॉडल जो हमने परसों को दिखाया था वो न्यू मॉडल था, और ये 2016 मॉडल है भैया, 2011 मॉडल है ये वाला। यार गाइस आगे ना यार सीपी वाले खड़े हैं तो इस वजह से भैया जो है आगे नहीं ले जा रहे गाड़ी, वरना आगे भी ले जाते खाली पुलिस वाले को दिक्कत कर देंगे ना। सो फिलहाल अब मैं चलाने जा रहा हूँ भैया की हायाबुसा। थोड़ा बहुत रिएक्शन नोट करेंगे हम हल्द्वानी के लोगों का कि हल्द्वानी के लोगों में कैसा रिएक्शन रहता है हायाबुसा को लेके। और मुझे धक धक हो रही भाई बहुत ही। ओ भाई, ओ माय गॉड, सुपर बाइक का अलग ही मजा है भयंकर। ये यार एक तो ना रोड भगाने वाली नहीं है यार। ओ भाई ओए क्या लाओ, आगे सीपीयू लगी थी पता है। और सच बताऊं ना यार H2 से काफी कंफर्टेबल है यार H2, मतलब मैंने चलाई तो उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी जितनी हायाबुसा लगी यार। हायाबुसा काफी कंफर्टेबल है H2 के मुकाबले। भाई साहब लोग कैसे देख रहे खतरनाक वाले भैया, क्या ही रिएक्शन आ रहे एकदम तगड़े वाले। मैंने ज्यादा तेज भगाई नहीं, मैंने ध्यान नहीं देता ना इसमें, क्योंकि अगर इसमें ध्यान देके आगे कोई आ गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। मैं तो H2 में भी ऐसी हो रहा था, मैं भगा रहा था यहाँ ध्यान नहीं देता, सामने ध्यान दे रहा था एकदम। अब वो तो इसमें देखेंगे कितना गई, ज़्यादा नहीं भागी पर आई गेस 100 भागी होगी शायद। अभी छुट्टी हो रही तेरी? हाँ। सो फिलहाल यार गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये रही मेरी मौसी की लड़की जिसको आपने पहले भी देख रखा अपने व्लॉग में। दिखा मास्क तो खोल, जब हम लोग अलीगढ़ गए थे आगरा वाले में थी तो थी। हाँ आगरा वाले, उसमें जो बंदर था ना हमारे उसमें यही था। चल सही है, तुम लोग कब आ रहे हो हमारे यहाँ पे? 18 को आ रहे हो? वही मम्मी लोग को आ जाएंगे 18 को, और ये कहते हैं वो होगा फिर मम्मा लोग 18 को आ रहे हैं तो कम से कम मैं तो 20 तक ही आऊँगी क्योंकि कॉलेज में भी कुछ तो कॉलेज तो यहीं से जाएगी। क्यों? फिर देखूंगी अभी जो भी है, अभी प्लान ही कर रखा मम्मी लोग, मतलब मम्मी लोग तो एक 18 को आ सकते हैं।
अच्छा दिवाली से मतलब यही में रहोगे? अबे मैंने सोचा अचानक से, मैं ना अचानक से जाता ना पहचान भी नहीं पाएगी। आज भी तो हायाबुसा में बनाया व्लॉग। अच्छा वो दूसरी बाइक में था, आज भी हायाबुसा में बनाया है, अभी वहीं से था। किसकी थी? इसके दोस्त की है। अच्छा तो गाइस हमारे घर पे बगल में जो मकान बना ना मौसी लोगों का, तो वो इन्हीं लोगों का बना है। तो मौसी लोग आ जाएंगे यार 18 तारीख को, फिर बड़े हो जाएगा, कम से कम कोई तो मिलेगा बातचीत करने या व्लॉग बनाने के लिए। फिर अकेले नहीं बनाएंगे हम व्लॉग, फिर जय होगा, प्रिया होगी, मैं होगा, साथ में व्लॉग बनाएंगे फिर हम सब। सो यार गाइस फिलहाल तेजस को तो घर छोड़ दिया है, और पता है मैं बार बार ना बुलेट का एंगल तो बेकार कर देता हूँ ना, अभी देखो जैसे कि सही आ रहा है एकदम, यहाँ का भी दिख रहा है, बट यार अभी जब भूसा चला रहे थे ना हम लोग तो मतलब सारा ऊपर का एंगल आ गया, तो सब पूरा मतलब मुझे एंगल की वजह से थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हो गया उसमें। गाइस मेरे सब्सक्राइबर मेरे घर के बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे मेरे घर के बाहर देखो, मैं सोया रहता हूँ, मेरे घर के बाहर मिलने आ जाते हैं सब्सक्राइबर मेरे। हाँ भाई शांत देख लो। हाँ भाई तुम्हें शर्म लिहाज नहीं है? कोई बंदा आराम से सो रहा है, उसके घर आ जाओ बिना बुलाए, वो भी ना हमने बुलाया तुम्हें अपने घर, ना हमने तुम्हें बुलाया। अरे भैया शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। तुमने उस दिन भी बेटा ये बोलते हुए ले लिया था, उस दिन मैं कह रही हूँ मत। आजा डॉलर आजा, ये काट देगी, आजा आजा आजा, उसके दांत देखे तूने, काट देगी वो। भौंकता है वो, अपने से छोटी ब्रीड वालों को नहीं करता ना वो। करता है, हाथ जोड़ता है। हाँ उसके बाद दोनों करेगा, जय करेगा, उसको जानता है बहुत अच्छे से, तुम्हारी प्रजाति तो है।